विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर शिवपुरी कांग्रेस कमेटी ने माधव चौराहे पर आतिशबाजी किया और लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर खुशियां जाहिर की। वहीं इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने कहा कि विजयपुर में कांग्रेस की जीत नहीं, लोकतंत्र की जीत हुई है। जो लोग कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के साथ गद्दारी कर भाग गए, ये जश्न उनकी हार का है। जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने 6 बार विधायक बनाया, 2 बार सांसद का टिकट दिया, वो गलतफहमी में थे कि रामनिवास चुनाव जीतते हैं। रामनिवास चुनाव नहीं जीतते थे, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती थी, यह विजयपुर की जनता ने दिखा दिया है। जश्न उन गद्दारों को सबक सिखाने का है जो हमारी पार्टी छोड़कर पार्टी के पीठ पे खंजर भोंक के भाग गए। उनकी वजह से जो उपचुनाव हुआ विजयपुर विधानसभा में, जिस व्यक्ति को पार्टी ने 6 बार विधायक का टिकट दिया, 2 बार सांसद का टिकट दिया, 8 बार अपना उम्मीदवार बनाया, 8 बार उन पर विश्वास किया, वह व्यक्ति पार्टी छोड़ के चले गए। विधायक बनने के बाद वो गलत फहमी में थे कि विजयपुर में रामनिवास चुनाव जीतते हैं। रामनिवास जी, आप चुनाव नहीं जीतते थे, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती थी। आज कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, साबित कर दिया है। विजयपुर में उपचुनाव हुए थे, वो रामनिवास रावत जी को जब कांग्रेस ने उन्हें कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, 6 बार से कांग्रेस से टिकट दिया, उनको विधायक कांग्रेस ने बनाया था, बाकी जनता ने बनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर रामनिवास जी बीजेपी में चले गए, कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। तो इस बार जनता ने ठान लिया था कि क्योंकि लोकतंत्र की हत्या ये सरेआम हो रही है, तो जनता ने मन में बना लिया था कि बीजेपी को सबक सिखाना है और जो बिछने वाले विधायक हैं उनको इस बार करारा जवाब देना है। लेकिन टारगेट हमने इस बार ऐसा बनाया था कि 80,000 से टारगेट बना के चलो, ये कब तक बेईमानी करेंगे। तो आज उसका परिणाम है कि हमारी जीत हुई, सत्य की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई।